ओके बेटा, तो बेटा लास्ट वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी आपकी, तो इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी चीज़ को। ओके, तो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ में एज पर न्यूटन सेकंड लॉ क्या डेफिनेशन होती है, न्यूटन सेकंड लॉ की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं आपको बताया था सबसे पहले चेंज क्या होता है किसी भी चीज़ के अंदर। चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपकी स्पीड अभी 3 मीटर पर सेकंड है, कुछ टाइम के बाद देखा आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगी, तो फाइनल वैल्यू 5 है, इनिशियल वैल्यू 3 है, तो इसी के चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, 5 माइनस 3, इसी को क्या बोलते हैं हम, चेंज बोलते हैं स्पीड के अंदर। ये आपका हो गया क्या, किसके अंदर चेंज, स्पीड के अंदर चेंज। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपसे पूछ लिया चेंज क्या होता है, तो आप कहेंगे उसकी फाइनल वैल्यू क्या है माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है। तो सिमिलरली अगर आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल वैल्यू ऑफ मोमेंटम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ये होता है चेंज। दूसरी होता है बेटा रेट, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेट क्या होता है। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि रेट क्या होता है, कि रेट रिलेटेड होता है टाइम से, कि कोई चीज़ कितना टाइम ले रही है होने के लिए, हैपन होने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज कर लीजिए कि अभी आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, थोड़े टाइम के बाद 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उसमें कितना टाइम लगता है, कि हो सकता है कि 1 सेकंड के बाद ही आपकी 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है, 10 सेकंड लगती है, 20 सेकंड लगती है, 50 सेकंड लगती है। तो अगर मैं बोला हूँ 1 सेकंड में ही 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो आपका मतलब रेट आपकी क्या है, बहुत तेज़ी से चेंजमेंट हो रहा है किसी भी चीज़ में टाइम के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं उस चेंजमेंट होने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, आपकी रेट क्या है वो बहुत ही कम है। ओके, तो रेट किससे रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होता है। तो अगर किसी चीज़ को होने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो होता है क्या, कितना टाइम कम लगता है, कि अगर टाइम कम लगता है तो रेट ज़्यादा है, अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो रेट क्या होती है, कम होती है। तो अगर बेटा मेरे को रेट फाइंड आउट करना है किसी भी चीज़ को, तो सपोज कर लीजिए कि जैसे कि आपकी स्पीड हुई स्टार्टिंग के अंदर जैसे 3 मीटर पर सेकंड थी, थोड़े टाइम के बाद सपोज कर लीजिए आपकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये हुई 2 सेकंड के बाद। तो अगर आपको रेट निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा बेटा, 5 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी तो आपने निकाल दिया, वो क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड। अगर रेट निकालना है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, बेटा अगर आपको रेट निकालना है तो रेट क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई टाइम, तो आपका आ जाएगा क्या, 1 मीटर पर सेकंड स्केल। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जैसे मैंने आपको बताया भी था, वो क्या होता है, एसेलरेशन होता है। तो वहाँ पे फाइनल वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है वो, है ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई टाइम। सिमिलरली यहाँ पे भी सिंपल सा हम करके देखेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम वो क्या देगा आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देगा, है ना। तो किसी भी चीज़ को हैपन होने, अगर किसी भी चीज़ को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो क्या देता है, उसकी रेट देता है। ओके, तो अभी देखते हैं इसकी न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन। तो सपोज कर लीजिए बेटा यहाँ पे आपका ब्लॉक दिया हो, ये कोई ब्लॉक है एंड एट टी इक्वल टू 0 सेकंड पे कर लीजिए टी इक्वल टू 0 सेकंड पे इसने चलना स्टार्ट किया इस ब्लॉक में, और ये चला किस स्पीड से, यू स्पीड से, ठीक है, और टी टाइम के बाद देखा आपने, कितने टाइम के बाद देखा, टी सेकंड्स के बाद देखा आपने कि ये कहीं यहां पे आ गया, और इसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई थी, वी हो गई। ओके, तो बेटा आप बताइए कि इसके चेंज इन स्पीड मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, सबसे पहले हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो बेटा इनिशियल मोमेंटम अगर मैं बात करूं, तो इसका इनिशियल मोमेंटम आई से, जैसे पी आई लिख दिया, तो मोमेंटम क्या होता है इनिशियल, मतलब टी इक्वल टू 0 सेकंड पे क्या मोमेंटम है इसका, तो मोमेंटम आप मास इनटू वेलोसिटी, तो आप कहेंगे एम इनटू यू। और बेटा फाइनल मोमेंटम टी सेकंड के बाद क्या मोमेंटम है इसका, तो आप कहेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी एम इनटू वी, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, एम वी माइनस एम यू, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया इसका,
चेंज इन मोमेंटम। तो आप कहेंगे चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, डेल्टा पी मैंने इसको लिख दिया, ये होता है क्या पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वैल्यू, मोमेंटम की फाइनल वैल्यू और मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू। ओके, तो डेल्टा पी हम लिख सकते हैं क्या, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और हम इसको लिख सकते हैं पी फाइनल वैल्यू हमको पता चल गई एम वी है और इनिशियल वैल्यू एम यू है, इसको m यहां से कॉमन ले लेंगे आपका आ जाएगा क्या v माइनस यू। ओके, तो बेटा फोर्स की क्या डेफिनेशन दी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये चेंज इन मोमेंटम इसका रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम, यहां से यहां तक मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा है। तो आप कहेंगे जीरो से सेकेंड या टी सेकेंड, तो टाइम कितना लगा है बेटा चेंजमेंट के लिए, तो टाइम टी आपका हो गया क्या टी सेकेंड। ओके, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ हम फोर्स को कैसे लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टी, ये आपका आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स की डेफिनेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा पी आ गया, रेट हमको निकालना है, अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपकी रेट आ जाएगी। तो वो क्या किसकी इक्वल होता है, फोर्स की इक्वल होता है आपका, तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। तो डेल्टा पी आपका दिया हुआ है क्या एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अभी बेटा इसको सोल्व करेंगे आप, एम डिवाइड इंटू वी माइनस यू बाई टी। अभी आप बताइए ये क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ टी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी। तो मैंने आपको अगर मोशन चैप्टर आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा तो वहां पे मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दी थी, ए क्या होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ टी, रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ टी वी माइनस यू बाई टी, ये आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दी थी, आपको पता होगा सर। और हमने पहली इक्वेशन भी पढ़ी थी, वहां से भी आप देख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये आपका क्या है एक्सेलरेशन की इक्वल है वी माइनस यू बाई टी। ओके, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी, वो आपकी आ जाएगी क्या मास टाइम एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हर जगह आपकी यूज होती है कि फोर्स की वैल्यू क्या आई आपकी, फोर्स की वैल्यू क्या आती है आपकी मास टाइम एक्सेलरेशन, कि इस ब्लॉक को यहां से यहां तक स्पीड तो चेंज कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है उसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, फोर्स की इक्वल आएगी। तो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना चाहिए। ओके, कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया, चेंज इन मोमेंटम निकाला एम वी माइनस यू और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको बताया था वो क्या होता है फोर्स की इक्वल। तो रेट किसी भी चीज़ को हम कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को टाइम से डिवाइड करके, कि वो उस चीज़ को होने में कितना टाइम लगा है, अगर उस टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा रेट मिल जाएगा। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टाइम टी, तो आपको क्या मिल गया रेट नहीं, आपको मिल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो किसके इक्वल है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड न्यूटन ने की डेफिनेशन का इक्वल अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होता है फोर्स के इक्वल। तो ये एफ हो गया, तो ये v माइनस एम इंटू वी माइनस यू बाई टी हो गया, डेल्टा पी एम इंटू वी माइनस यू हो गया डिवाइडेड बाई टी, एम को मैंने बाहर ले लिया v माइनस यू बाई टी। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन चैप्टर के अंदर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो वहां से हमने देखा था कि ए क्या होता है आपका v माइनस यू बाई टी होता है। ओके, तो फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी आपकी, मास टाइम एक्सेलरेशन की इक्वल आ जाएगी आपकी। ओके, तो बेटा यहाँ तक आज का आपका इतना ही है, कल देखेंगे इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एफ इजिकल टू एम इन टू ए, और इसकी डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे यह है, डेरिवेशन आपसे पूछ लेते हैं। ओके, डेरिवेशन आपसे पूछ लेते हैं वो डायरेक्टली, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना एफ इजिकल टू एम, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे वहाँ से। ओके बेटा, सो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द डाउट क्लास। थैंक यू।